नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकाली गई 2000 वैकेंसी। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख है। मिली जानकारी के अनुसार इस भर्ती के तहत ACIO की 2000 वैकेंसी निकाली गई है। इनमें 989 वैकेंसी अनारक्षित है, 113 EWS, 417 OBC, 360 SC, 121 ST के लिए आरक्षित है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, SBI चालान के जरिए फीस जमा करने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2021 है। पटना की सड़कों पर अब जल्द ही दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। मकर संक्रांति के बाद से पटना की सड़कों पर प्रदूषण का स्तर कम होने वाला है, क्योंकि पटना में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। गांधी मैदान में बेली रोड होते हुए दानापुर और गांधी मैदान से फुलवारी होते हुए पटना एम्स रूट पर शुरुआत में इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। महीने के अंत तक ऐसी लगभग 25 बसें होंगी जो पटना पहुंच जाएंगी, और अगले चरण में इन्हें बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी शुरू किया जाएगा। 1 करोड़ से भी अधिक कीमत की इन बसों को खरीदने के बजाय BSRTC ने उसे निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड से किराए पर लिया है। BSRTC उसे निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड से किराए पर लेने का विचार कर रही है। जहानाबाद की बराबर की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जहानाबाद की बराबर की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह गुफाएं जहानाबाद जिले के मखदुमपुर ब्लॉक में स्थित है। मौर्य काल से संबंध रखने वाली ये गुफाएं लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व पुरानी है। बराबर गुफा के पास एक अन्य गुफा भी स्थित है, नागार्जुनी गुफा, जो बराबर गुफा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 3 गुफाओं का समूह है और बराबर गुफाएं 4 मुख्य गुफाओं का एक समूह है। दोनों ही गुफाएं एक ही समय की है, इसलिए इन्हें एक साथ सतघर के रूप में जाना जाता है। चट्टान को काटकर बनाई गई इस प्राचीन गुफा में सीधे मौर्य वंश के काल में हमें ले जाती है। बराबर पहाड़ी पर मुख्यतः 4 गुफाएं हैं, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व जोपरी एवं नागार्जुन की जो 3 गुफाएं हैं वे हैं बापियों का कुभा गुफा, वादिथी का कुभा गुफा और गोपी गुफा। ट्रेन किराया वापसी नियम की रियायती अवधि में रेलवे ने किया विस्तार। कोरोना के माहौल में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियम की रियायत अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत रेलवे ने रद्द की गई सभी नियमित ट्रेनों के लिए जारी की गई आरक्षित टिकट के रिफंड नियमों में एक बार फिर से रियायत देने का मन बना लिया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन परिचालन स्थगित होने की घोषणा के पहले नियमित ट्रेनों को आरक्षित टिकट बुक करा चुके यात्रियों की सुविधा दी गई थी। इस क्रम में 21 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक की यात्रा अवधि वाले आरक्षित टिकट के फुल रिफंड के लिए टिकट वापसी के नियमों में रियायत की समय सीमा में 3 महीने और की वृद्धि कर दी गई है। नर्सिंग में उत्कृष्ट काम के लिए बिहार की रंजू को मिला सम्मान। नर्सिंग में उत्कृष्ट काम करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ANM रंजू कुमारी को साल 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगल अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिसकी सारी सूचना प्रदेश के सरकारी विभाग की तरफ से सिवान के सिविल सर्जन को दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में ANM रंजू कुमारी भगवानपुर हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत खेड़वा स्वास्थ्य सेंटर पर तैनात है। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 492 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 255,926 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 203 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुंगेर में 26 तो वहीं बेगूसराय में 27 मामले सामने आए हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाने वाले अमित राज को किया जाएगा सम्मानित। अपनी जान पर खेलकर 3 लोगों को बचाने वाले अमित राज कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं, वहीं उनकी वीरता की चर्चा भी काफी ज्यादा हो रही है। अपनी जान गंवाने वाले अमित राज को बिहार में भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार देने के लिए सैनिक स्कूल पुरुलिया के प्रचार ग्रुप कैप्टन जी प्रभार ने केंद्र सरकार की अनुशंसा की है। आपको बता दें, 3 दिसंबर को अमित ने अपने गांव के 3 बच्चों को बचाने का काम किया था। सारण DIG ने कई पुलिसकर्मियों को ऑन स्पॉट किया सस्पेंड। सारण DIG का पदभार संभालते ही मनु महाराज अपने सिंघम अवतार में नजर आ रहे हैं। कमान संभालते ही लगातार थानों का निरीक्षण कर नाबोश शुरू कर चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने पुराने अंदाज में DIG मनु महाराज सुबह सुबह अपने आवास से पैदल दौड़ते हुए मुफस्सिल थाना पहुंचे,
जिससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं इस बाबत मनु महाराज ने बताया है कि मैं लगातार विभिन्न थानों के निरीक्षण का काम कर रहा हूं। उसी दौरान घूमते घूमते हुए थाना पहुंच गया, जहां पहुंचने के बाद वहां पर ओडी पदाधिकारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं दिखे और 6 पुलिसकर्मियों को ऑन स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के 38 जिलों में चला वैक्सीन का ड्राई रन। बिहार के 38 जिलों में बीते दिन दूसरे चरण का ड्राई रन संपन्न करवाया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के 38 जिलों में दूसरे चरण का ड्राई रन शुरू हो गया था। सभी जिलों में 25-25 लोगों को टीके के डोज दिए जाने का काम किया गया है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस और खगौल में टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा था। उम्मीद की जा रही है कि देश में कोरोना टीकाकरण अगले हफ्ते से शुरू होगा। इसके पहले सभी तैयारियों को ठोक बजाकर ठीक कर लेने के उद्देश्य से ड्राई रन किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना के टीकाकरण का काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विशाल सिंह की। पेशे से क्रिकेटर विशाल सिंह का जन्म 27 दिसंबर को साल 1994 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। विशाल सिंह एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड के लिए खेलते हैं। उन्होंने 13 नवंबर 2014 को विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी सूची एक की शुरुआत की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विशाल सिंह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। हालांकि उन्हें अब तक कोई बड़ा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। लालू यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो को कोरोना से बचाव के नाम पर बिना किसी अन्य विकल्पों पर चर्चा और उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किए बिना रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। इसको लेकर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। कोर्ट ने कहा है कि रिम्स प्रबंधन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि लालू प्रसाद को निदेशक बंगले में शिफ्ट करने के पहले और कौन से विकल्पों पर विचार किया गया था और निदेशक बंगले को ही क्यों चुना गया। बिहार पुलिस के जवानों को आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी करेंगे ट्रेन। अब बिहार पुलिस के जवानों को बिहार पुलिस के एक्सपर्ट के साथ साथ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के अफसरों से ट्रेनिंग लेने वाले हैं। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस के जवान की ट्रेनिंग में कई तरह के बदलाव भी किए जाने के संकेत दे दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के जवानों को अपडेट रखने के लिए ही यह बदलाव किए जा रहे हैं। पुलिस अफसरों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। पुलिस के जवानों को चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए ही ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स के अफसर हर तरह की चुनौतियों का सामना करना भी सिखाने वाले हैं। बिहार विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार की 4 सीटों पर नहीं होगी उपचुनाव। बिहार विधान परिषद के रिक्त पड़ी 4 सीटों पर आयोजित करवाए जाने वाले उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि अब उसकी जगह आम चुनाव का आयोजन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधान परिषद की ये 4 सीटें स्थानीय प्राधिकार कोटे की हैं। इन कोटे से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों के सदन से त्याग पत्र करने के कारण सभी सीटें रिक्त हो गई हैं। विधानसभा कोटे से 2 सीटों का निर्वाचन के कार्यक्रम आने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव की संभावना नहीं है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व पर निकाली गई प्रभात फेरी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व की पहली प्रभात फेरी निकाल दी गई है। यह प्रभात फेरी पंच प्यारे की अगुवाई में तख्त साहिब से निकाली गई है। मिली जानकारी के अनुसार तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रभात फेरी निकालकर अशोक राजपथ होते हुए बाल लीला गुरुद्वारा तक पहुंची थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभात फेरी में सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज के प्रति भजन कीर्तन गाकर अरदास किया। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान काफी दूर दूर से सिख श्रद्धालु प्रभात फेरी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। जदयू के अति पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने की कोशिश करेंगे आरसीपी। जनता दल यूनाइटेड की कमान जैसे ही आरसीपी सिंह के हाथ में आई, वैसे आरसीपी सिंह पार्टी को मजबूत करने के काम में जुट गए हैं। आरसीपी सिंह ने पिछले दिनों कुशवाहा समाज के नेताओं के साथ बैठक भी की। हालांकि अब वो अति पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नई रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ बैठक करते हुए आरसीपी सिंह ने नेताओं को टास्क देने का काम किया है। आज से शुरू होगी बिहार बोर्ड इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं। कोविड-19 के माहौल में पूरे देश में शैक्षणिक गतिविधियां बंद थी, वहीं अब धीरे धीरे गतिविधियां सामान्य हो रही है। इसी कड़ी में बिहार बोर्ड इंटर प्रायोगिक परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 18 जनवरी तक जारी रहेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा के बेहतर तरीके से आयोजन और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम का गठन कर दिया है। ये कंट्रोल रूम प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगी। परीक्षा में किसी भी तरह की समस्या आने पर कॉल भी आसानी से किया जा सकता है। इसको लेकर नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत अब कोई भी परीक्षार्थी 0612223009 पर कॉल करके अपनी शिकायतों का समाधान निकाल सकते हैं।
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2021 का आयोजन राज्य के कुल 3,123 प्रैक्टिकल केंद्रों पर किया जा रहा है। महिलाओं पर बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए राबड़ी देवी ने दिया बयान। बिहार में कोरोना से ज्यादा अप्रिय मामलों की स्थिति बढ़ती देखी जा रही है। वहीं महिलाओं के प्रति भी बिहार में क्रूरता देखने को मिल रही है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सरकार को अब निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार, औरतों के साथ गलत व्यवहार को संरक्षण देने का काम भाजपा नीतीश सरकार की मुख्य उपलब्धि बन चुकी है। 40 सीट वाले अनैतिक मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्ट अधिकारी क्या झाल बजाने के लिए बैठे हैं। नए साल में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश। नए साल में मुख्यमंत्री का नया अवतार नजर आ रहा है। कोरोना के दौरान अपने आवास में बंद रहने वाले मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता संभालने के बाद पूरे रंग में नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो बार बार सचिवालय भी जा रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। यही कारण है कि बीते दिन फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री विजय चौधरी, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नीतीश के सामने भाजपा ने किया आत्मसमर्पण। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा लंबे समय से जारी है। हालांकि भाजपा और जदयू के बीच 50-50 के फॉर्मूले को लेकर दांव पेच फंसने के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा सांसद अजय निषाद ने बड़ा बयान जारी किया है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अधिकार है। हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिया है तो हमें मंत्री मानने में कोई परेशानी नहीं है। वो जदयू से 4 मंत्री अधिक भी बना ले तो भाजपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर लालू के बड़े लाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना की वैक्सीन लगवाने का काम करना चाहिए। जो वैक्सीन आया है उसकी सत्यता पहले मोदी जी को पेश करनी चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं बल्कि वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने बीते दिन बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कही थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में आज ही के दिन मुंबई पहुंचे थे। पहला भारतीय वैज्ञानिक दल 1982 में अंटार्कटिका आज ही के दिन पहुंचा था। भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक फरहान अख्तर का जन्म 1974 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय टेलीविजन अभिनेता शरद मल्होत्रा का जन्म 1983 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की स्वाधीनता सेनानी तथा राजनेता छोटू राम का 1945 में आज ही के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली थी। स्टीव स्मिथ ने विराट और सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच सीरीज का तीसरा मैच जारी है। वहीं इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने शानदार सेंचुरी लगाया है। स्मिथ 131 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने एक खास मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। यह टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ की 27वीं सेंचुरी थी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 27 सेंचुरी जड़ने के मामले में स्मिथ ने विराट और सचिन को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना वैक्सीन लगाने वाली पहली अभिनेत्री बनी शिल्पा शिरोडकर। इन दिनों पूरे देश में वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए ड्राई रन चलाया जा रहा है। वहीं सेलिब्रिटीज की बात करें तो वो भी अब वैक्सीन की तरफ आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। जानकारों की माने तो शिल्पा शिरोडकर ने वैक्सीन लगवाया है, जिसके बाद यह बॉलीवुड एक्ट्रेस वैक्सीन लगवाने वाली पहली सेलिब्रिटी बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने दुबई में यह वैक्सीन लगवाया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया से साझा की है। कोरोना के माहौल में उनके इस कदम की भरपूर सराहना हुई है। इसको लेकर शिल्पा ने हाल ही में इंस्टा पर अपना एक तस्वीर भी साझा किया था, जिसमें वो मास्क पहने ही नजर आ रही थी और उनके बाह में एक छोटी सी पट्टी भी लगी हुई थी। जीमेल पर एक्सपायरी डेट के साथ भेज सकते हैं कॉन्फिडेंशियल ईमेल। जीमेल पर कॉन्फिडेंशियल मोड में अगर आप कोई ईमेल भेजना चाहते हैं जिसके एक्सेस पर केवल आपका अधिकार हो, यह मोड आपको उसकी सुविधा देता है। कॉन्फिडेंशियल मोड में हम किसी को मेल करते हैं लेकिन उस ईमेल का एक्सेस हमेशा के लिए उसके पास नहीं रहता है। इसके लिए सबसे पहले जीमेल ओपन करें। ईमेल भेजने के लिए कंपोज बॉक्स में जाएं, ऊपर की तरफ मोर ऑप्शंस पर जाएं और वहां कॉन्फिडेंशियल मोड पर क्लिक करें। कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन करें, एक्सपायर होने की डेट, पासकोड और दूसरी चीजें डालें, उस ईमेल को डन करें।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,820 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,820 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.76 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दीपक कुमार, मोहम्मद रजा, पवन कुमार, अमर बिहारी, सुधीर कुमार, मनीष मोहरा, प्रियंका साही, अवधेश कुमार सिंह, सुशील कुमार, ललित कुमार, लालू बाबू, रिंकू पंडित, नंदिनी सिंह, रोशन कुमार, काजल चौधरी, रंजीत कुमार, विमलेश चौधरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, अब तक के मैच के स्कोर को देखते हुए आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया में से किस टीम के तीसरे मैच को जीतने के ज्यादा आसार हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।